हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज मैं आपको एक न्यू टॉपिक सिखाऊंगी जो आपने बच्चों को सिखा पाएंगे और बहुत ही आसान और इजी वे में मैं आपको ये समझाऊंगी। दिस डैट दीज दोस्त, वंस अगेन दिस डैट दीज दोस्त। दिस एंड डैट हम यूज करते हैं सिंगुलर फॉर्म में, एंड दीज एंड दोस आर यूज फॉर plural form. Okay, once again I'm repeating, this, that, these and those, this and that are singular form, these and those are in plural form. So, आपको अपने बच्चों को बताना है कि this के साथ हमेशा किसका यूज होता है, is, this is, this is, this is, this is. एंड दैट के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, इज, दैट इज, दैट इज, दैट इज, ओके। और दीज के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, दीज आर, दीज आर। दोस्त के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, आर, दोस आर, दोस आर। So, our next sheet is make sentences. This, first हम this के sentence बनवाएंगे बच्चों से, then that के, okay? First one is this. This के साथ क्या लगता है? Is, this is. So, this is a ball. This is a ball. Next sentence is, this is a pin. Next is, this is a mat. Okay, make sentences for this. This is a ball. This is a pin. This is a mat. Okay? Now, see, listen. That. That हम कहाँ use करते हैं? जो चीज हमसे थोड़ा दूर होती है. आप ये देखो, ये cat क्या है? हमसे थोड़ा दूर है. Far है. Far means हमसे दूर. Once again, I'm repeating. जो चीज हमसे दूर होती है, उसके लिए हम क्या use करते हैं? That. जो चीज हमसे बहुत दूर होती है, उसके लिए क्या बोलते हैं? डैट. और वो सिंगल होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डैट. अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज यूज व्हेन समथिंग इज फार अवे फ्रॉम अस, ओके, और वो एक सिंगल चीज ही है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट. तो राइट डाउन, दैट इज अ कैट, दैट इज अ कैट. नेक्स्ट इज, that is a bat. Bat के हमसे थोड़ा दूर है, far. And last one is, that is a cap. That is a cap. Okay, it's a very simple and easy exercise. You can do with your kids also. So, our next worksheet is make sentences for this and that. This and that. जो चीज हमारे पास होती है, उसके लिए हम लिखते हैं this. और जो हमसे थोड़ा दूर होती है, far away from us, तो उसके लिए हम लिखते हैं that. Once again, I'm repeating. जो चीज हमारे near होती है, this. And जो चीज हमसे दूर होती है, far होती है, that is that. Okay. So, first sentences is this. Is a mat. This is a mat. अब cat हमसे दूर है, तो हम क्या लिखेंगे? That is a cat. Next one is pin हमारे पास है, तो क्या लिखेंगे? This is a pin. और मैट भी हमारे पास है, तो this
is a mat. Okay. Next one is bat. अब bat हमसे क्या है? दूर है. तो हम क्या लिखेंगे? That is a bat. क्योंकि bat हमसे दूर है, इसलिए हमने that का use किया है. अब ये trap भी क्या है? हमसे दूर. तो हम क्या लिखेंगे? That is a trap. एंड लास्ट वन इज पेन. अब पेन भी हमारे पास है, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ पेन. क्योंकि पेन हमारे पास है. ओके, नाउ नेक्स्ट शीट इज दीज एंड दोज. मेक सेंटेंसेस फॉर दीज एंड मेक सेंटेंसेस फॉर दोज. ओके, दीज के साथ आपको मैंने बताया था कि क्या लगता है? आर. दीज आर. दोज आर. These are, those are, okay? और जहां हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, तो हम क्या लिखते हैं बेटा? These are, okay? और कोई चीज हमसे दूर होती है और बहुत सारी होती है, तब भी हम क्या लिखते हैं? Those are, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है. दिस में जब एक सिंगल चीज होती है तो वो पास में होती है, तो दिस लिखते हैं. दूर अगर एक सिंगल चीज होती है तो दैट लिखते हैं. बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं तो हम दीज लिखते हैं, और बहुत सारी चीजें हमसे दूर होती हैं तो हम दोज लिखते हैं. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बेटा. नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज दीज आर कार्स. क्योंकि बहुत सारी कार्स कहाँ है? मेरे पास. तो दीज आर कार्स. नेक्स्ट इज कैंडी. कैंडी बहुत सारी है, वो मेरे पास है, तो दीज आर कैंडीज. लास्ट वन इज ट्री. ट्री है, मेरे पास है, और एक से ज्यादा है, तो दीज आर ट्रीज. दीज आर ट्रीज. ओके, नेक्स्ट वन इज दोस्त. जो चीज हमसे दूर है और बहुत सारी है, तो क्या आएगा? दोस्त. सो सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दोस आर बॉल्स. दोस आर बॉल्स. बैट है लेकिन हमसे दूर है और बहुत सारे हैं, तो those are bats. Those are bats. Fan है लेकिन हमसे दूर है और एक से ज्यादा है, तो those are fans. Those are fans. Next one is मेक सेंटेंसेस. अब आपको मैम ने जो पहले कराए थे दीज एंड दोज के अलग अलग समझाए थे, अब आपको कॉम्बिनेशन में दे दिया, कंबाइन कर दिया. ओके, दीज दोज. कैंडीज है, बहुत सारी है हमारे पास है, तो दीज. फैन है, एक से ज्यादा है, तो दोज. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. दीज और दीज के साथ क्या लगता है बेटा? आर. These are candies. Okay. Next is those. क्योंकि फैन हमसे दूर है. Those are fans. Ball है और हमारे पास है, एक से ज्यादा है balls है, तो these are balls. कैप है, एक से ज्यादा है, तो दोस आर कैप्स. कार है, एक से ज्यादा है और हमारे पास है, तो दीज आर
These are cars.